व्रत का महीना चल रहा है तो आप जरूर ट्राई करें सूजी का खीर। ये बहुत ही अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक भी है और काफी टेस्टी होता है। आज आपको हम बताएंगे कि सूजी की खीर आप कैसे तैयार कर सकते हैं। यह 20 मिनट में आराम से तैयार हो जाएगा। और सूजी की खीर बनाने के लिए आपको चाहिए सूजी, दूध, चीनी, घी, इलायची पाउडर, बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश जैसी कुछ सामग्री। आप इस सफेद चीनी की जगह आप ब्राउन शुगर या गुड़ का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसमें केसर भी मिला लें। खीर पकाते समय कुछ केसर का इस्तेमाल जरूर करें ताकि खीर में एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। सबसे पहले एक पैन में एक टेबल स्पून घी गरम करें। मोटे तौर पर कटे हुए बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश डालें। 2 मिनट तक भूनना है आपको। अब भुने हुए मेवे को एक प्याले में निकाल लीजिए। उसी पैन में आप एक टेबल स्पून घी डालें, सूजी डालें, मिलाएं और मध्यम आंच पर चलाते हुए इसे भूरा होने तक भूनें, जब तक सूजी भुरभुरी ना हो जाए। अब पैन में दूध और चीनी डालें, दूध में उबाल आने दें। अब मिक्स करें और मध्यम आंच पर 5 से 6 मिनट तक आपको इसे पकाना है। भुने हुए मेवों के साथ एक चुटकी इलायची पाउडर डालें। आखिरी 2 मिनट तक पकाएं और आंच बंद कर दें। आपकी सूजी की खीर अब परोसने के लिए तैयार है। व्रत में खाएं, खिलाएं और अपने व्रत को अच्छे से करें।